वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज हम लेके आए हैं टॉपिक हार्ट डाइवर्जन का। डाइवर्जन कह सकते हैं या फिर ब्लड फ्लो का डाइवर्जन कह सकते हैं आप। जो सर्कुलेशन होता है वो एक जगह पर ही घूमने लग जाता है। ये कब होता है? जब आर्टरी के अंदर एक बबल नुमा ऊपर से जो वेसल्स होती है बाहर की तरफ आ जाती है, जैसे पाइल्स वगैरह में होता है उस कोडी, तो उसमें क्या होता है, आगे से तो ब्लॉकेज आ जाती है और ब्लड वहीं पर घूमने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, हार्ट का पंप करना और ब्लड फ्लो आगे तरफ जाना, लेकिन जब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो ब्लड वहीं रुक जाता है और आगे सप्लाई नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशन में ब्लड वेसल्स के अंदर एक स्टंट लगाया जाता है। स्टंट डाल के उसमें उस स्टंट को एनलार्ज किया जाता है। अब कैथेटराइजेशन स्टंट जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की जो ब्लॉकेज है वो हट जाएगी और ब्लॉकेज हटने के बाद ब्लड फ्लो डायरेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर राउंड नहीं होता है। तो जो एरिया पहले अभी एनलार्ज हो गया था, अब वो एरिया वहाँ से एनलार्जमेंट कम होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ ब्लड जाना बंद हो जाता है। तो ये स्वेलिंग कम हो जाती है और आपकी वेसल्स वापस से पहले जैसी हो जाती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हम हैं, आप हैं मेडिकली ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।